हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं अपने इस वीडियो में। मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये बता दिया था वीडियो में ये बता दिया था कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। यहाँ अब हम बात करेंगे आज टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो एक एक करके बेटा हम यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग को सीखेंगे। सबसे पहला केमिकल बॉन्ड जिसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, इसी को इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या है ये आयनिक बॉन्ड, इनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं या आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो बेटा देखिए, एक सिंपल सा व्यू मैं देता हूँ बॉन्डिंग के लिए, वो क्या है। द बॉन्ड फॉर्म बाई द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्म बाई द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ये एक एटम है, सपोज दैट एक ये एटम ए है हमारे पास, दूसरा एक एटम बी है। एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया वो तो हो गया डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो हो गया एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से डोनर स्पीसीज पर एक पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए उतने उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और रिसेप्टर स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज आते हैं। इन अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कैसा फोर्स है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाई द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, complete transfer of electrons from one atom to another atom is known as electrovalent bond or ionic bond. ठीक है बच्चों, the number of electron, एक चीज और याद रखना यहां पर, the number of electron lost or gained by an atom refer to its electrovalency. मतलब कहने का, जैसे मैं एक एग्जांपल जर्नल व्यू आपके सामने लेता हूँ, उसको देखिए और फिर हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपके पास है MgCl2। आपसे मैंने कहा चलिए आइए इसमें देखते हैं कि किस तरह की बॉन्डिंग है। तो ये रहा MgCl2 को कैसे दिखाएंगे आप, एक ये Mg है और ये Mg है, ये Cl है और एक ये Cl है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होने की वजह से इसकी आउटर मोस्ट सेल में 2.87, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसका 12 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 282 आ जाएगा और इसका 287। बेटा इन सभी की आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से ये कैसे हैं, ये हैं
अनस्टेबल। अपने आप को स्टेबल करने के लिए मतलब नियरेस्ट इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए ये क्या करेगा, Cl अपने एक इलेक्ट्रॉन को, Cl जिसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं मैंने अभी भी बताया आपको, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। Mg इसकी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर Cl इसके पास भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डोनेट कर देगा। तो जब ये डोनेट करेगा तो इस Mg के पास, ध्यान से समझिए बच्चों, तो इस Mg, ये Cl Mg के पास से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, इसलिए Mg पर कैसे चार्ज आ जाएंगे, 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा। और Cl के पास एक ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया और इस Cl के पास पहले से ये 7 थे, एक और इधर से मिल गया, तो इसलिए इस Cl पर एक माइनस और एक Cl पर इधर माइनस का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल में क्या हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 8, 8 और इसका 2, 8, 8। तो सभी की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका ऑक्टेट कम्प्लीट हुआ और ऑक्टेट कम्प्लीट होने के साथ ये कैसे हो गए, स्टेबल हो गए। ओके तो ये स्टेबल हो चुके। बॉन्डिंग सिर्फ इसीलिए होती है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो इस तरह से अब बात आती है कि मुझे बताना है यहां पर कि ये इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी एक टर्म और आ जाता है, तो हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आपको एक्सप्लेन किया। बात करते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। तो अभी भी मैंने बोला आपसे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट आर गेन्ड बाई एन एटम रिफर्ड टू एज द इलेक्ट्रोवैलेंसी। किसी एटम के थ्रू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते समय कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस किए गए हैं उनका नंबर ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाता है। तो इसके लिए हम बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे निकालेंगे। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इस क्लोरीन ने MgCl2 के केस में, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी एक हो गई। इस Cl, इस Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, एक इसको और एक इसको, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो गई। इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, क्योंकि इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है समझ चुके हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस आर गेन्ड बाई एन एटम रिफर्स टू इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम। याद रखना, सेम एटम के बीच कभी भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम के बीच ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कुछ और एग्जांपल्स दे करके मैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर देता हूं। आइए देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कुछ और एग्जांपल्स। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे NaCl दिखाना है। तो बेटा Na एटॉमिक नंबर 11, Cl मतलब 17, तो 2, 8 और 1, इसका क्या हो गया, 2, 8, 7। ठीक है, तो ये दोनों ही कैसे हैं, अनस्टेबल हैं। तो ये क्या करें, देखिए बेटा, तो ये Na और ये Cl, Na कि आउटर मोस्ट सेल में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं तो 2, 8, 1 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl 2, 8, 7 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ही अनस्टेबल हैं क्योंकि दोनों के ऑक्टेट इनकम्प्लीट हैं। तो ये क्या करता है कि सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है क्लोरीन को। तो ये हो गई डोनर स्पीसीज और ये हो गई एक्सेप्टर स्पीसीज। ओके फिर क्या होता है, जब ये डोनेट कर देता है तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बस, इलेक्ट्रॉन क्या बचते हैं, 2, 8। इसके पास क्या हो जाता है, 2, 8,
सेवन से क्या कन्वर्ट हो जाता है एट में। तो ये अनस्टेबल एलिमेंट्स से किस में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, स्टेबल में। ठीक है, इस तरह से जब इसने, इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया, और इसने एक गेन किया तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आया। अब पॉजिटिवली चार्ज इन आयंस या एटम्स के बीच हम बोलें क्या आ जाता है, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है। इसी स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं बच्चों। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, क्या कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हमेशा कहाँ बनते हैं, ऑलवेज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बीच ही हमेशा क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ओके, दूसरी एक चीज और, इन द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड, इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं या एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। याद रखना, जो मेटेलिक स्पीसीज होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, जिसकी, अच्छा मेटेलिक कैसे पहचानेंगे, जिसकी वैलेंसी सेल में 1-2 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन्स तक पाए जाते हैं, 1-2 or 3 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो मेटल है, तो ये हमेशा डोनेट करते हैं। और जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 7, 6, 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्योंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर के होते हैं। ओके, इतनी बात आई समझ में। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर जिन्हें हमको देखना है आयनिक बॉन्ड्स में। फिर बेटा इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एक साइकिल होता है जिसे हम लोग बॉर्न हाइबर साइकिल बोलते हैं। ये क्या है बॉर्न हाइबर साइकिल, आइए देखते हैं बॉर्न हाइबर साइकिल को। तो सबसे पहले हम आपको ये साइकिल ड्रा करके सिखाते हैं, उसके बाद बात करते हैं, आइए देखते हैं। बॉर्न हाइबर साइकिल, बॉर्न हाइबर साइकिल, बेटा ये बॉर्न हाइबर साइकिल मैक्स बॉर्न एंड हाइबर द्वारा दिया गया, गिवन बाय मैक्स बॉर्न एंड हाइबर। किसने दिया इसको, मैक्स बॉर्न एंड हाइबर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस साइकिल को दिया। ठीक है, ये क्या बताता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल आयनिक बॉन्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आयनिक बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज्ड, कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बॉर्न हाइबर साइकिल वाज प्रपोज्ड बाय द जर्मन, इसी चीज को बॉर्न हाइबर साइकिल में बॉर्न और हाइबर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सप्लेन किया। आइए देखते हैं कैसे इन्होंने बताया कि ये हमारे पास Na है जो सॉलिड है बच्चों, और फिर दूसरा है हाफ Cl2 जो गैस है। ठीक है, इससे क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, ये सॉलिड से सीधे अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना हो तो एनर्जी जो इंथैल्पी चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। तो सब्लिमेशन एनर्जी HS से लिख रहे हैं हम इसको, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो Na किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, और हाफ Cl2 बच्चों, ये भी क्या है, ये तो ऑलरेडी पहले से ही गैस था। इसके बाद इसे अगर हमें ब्रेक करना हो, डिसोसिएट करना हो, किसमें, जरा देखिए, Na और किसमें, Cl में, हाफ Cl2 को हमने Cl में डिसोसिएट किया, तो जो भी एनर्जी एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, डिसोसिएशन एंथैल्पी, एच स्मॉल डी अपॉन टू। ओके, अब ये भी गैस, ये भी गैस, मोनोएटॉमिक हो गए। अब बेटा एक बात देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर वो क्या है कि ये आपके पास जो, दो पेन लेते हैं हम, ये क्लोरीन है और ये सोडियम है। सोडियम को हमें Na प्लस में बदलने के लिए इसकी वैलेंसी सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च होगी उसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, पिछले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया, ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसके पास वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएं तो ये Cl Cl माइनस में चेंज हो, इलेक्ट्रॉन ऐड कराते समय निकली हुई एनर्जी का अमाउंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू निगेटिव में होती है, ये भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किस में होती है, निगेटिव वैल्यू होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस Na प्लस ने क्या किया, एक Na ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na प्लस में कन्वर्ट हो गया, और Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, Cl को जब एक इलेक्ट्रॉन Cl में ऐड किया गया तो Cl इसमें बदल गया, निकली हुई एनर्जी का अमाउंट क्या कहलाया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाया, और यहां गेन्ड एनर्जी का अमाउंट क्या कहलाया, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाया, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी खर्च हुई, जो निकली, यहां निकल रही एनर्जी और यहां एनर्जी खर्च हो रही, याद रखना बस इतनी चीजें। अब जरा देखिए, अगर ये Na प्लस और Cl माइनस आपस में जुड़ जाएं तो जुड़ने के बाद हमें क्या मिलता है, Na Cl, ठीक है, तब ये NaCl का एक क्रिस्टल बन जाता है। तो जब ये क्रिस्टल बन जाता है तो उस समय इसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी, क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। इधर देखिए, ये Na और Cl2, हाफ Cl2, चेंज इन एंथैल्पी क्या हुआ, माइनस U। इसके लिए कंप्लीट एक जरा रिलेशन इसमें हम दिखा सकते हैं, U इज इक्वल टू एच एस सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है बच्चों, प्लस हाफ एच डी डिसोसिएशन एनर्जी, प्लस आई ई आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड माइनस ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, माइनस ई एल। ये जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को बच्चों बार्नहेबर साइकिल कहते हैं। यू रिप्रेजेंट्स द डिक्रीज इन एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl के फॉर्मेशन में एनर्जी का जो भी क्या हुआ, डिक्रीजमेंट हुआ, उसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ U इज द नेगेटिव, देन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड फॉर्मेशन एंड कंपाउंड फॉर्म्ड विल बी स्टेबल। और कंपाउंड जो बनेगा वो कैसा होगा, स्टेबल होगा, स्थाई होगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू अगर आ जाती है
यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ यू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, यहां पर बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की जो आयनिक बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो डिफरेंट टाइप्स की जो एनर्जीज होती हैं उन एनर्जीज का क्या रिलेशन ही क्या कहलाता है, बॉर्नहेवर साइकिल कहलाता है बच्चों। ठीक है, इसको देख लीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं।